प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम एपिसोड की शुरुआत में नवी कक्षा में पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। हम इस चैप्टर का तीसरा भाग देखेंगे आज और साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी जानेंगे। फिर हम 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूस। हम इस चैप्टर का दूसरा भाग देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो एवरीवन, दोस्तों आज हम हमारी 9th की इंग्लिश के बुक बिहाइव का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 3rd है। तो दोस्तों, क्या आप सभी को याद है कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे एवलिन म्यूजिक सीखती हैं। पहले वो ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं, फिर सोलो परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। साथ ही हमने देखा कि वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन लेती हैं और वहां सबसे ज्यादा मार्क्स भी वो स्कोर करती हैं। उनको स्कॉटिश, जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेजेस भी बोलने आती हैं और कैसे वो बिना सुने लोगों की बात समझ जाती हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एवलिन को म्यूजिक कैसा लगता है, वो कैसे बिना सुने भी म्यूजिक में इतनी ज्यादा अच्छी होती हैं, उनको क्या क्या अवार्ड्स मिलते हैं और वो क्या महसूस करती हैं अपने काम के लिए और म्यूजिक के लिए, और साथ ही कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो एवलिन म्यूजिक को एक्सप्लेन करती हैं, वो कहती है कि ऐसा लगता है जैसे म्यूजिक मेरी पूरी बॉडी में समा जाता है। म्यूजिक उनकी स्किन पर, चीक बोन्स पर, इवन उनके बालों पर गुदगुदे करता है। जब भी वो ज़ाइलोफोन प्ले करती हैं, तो वो साउंड को सुनती नहीं है, सेंस करती हैं, महसूस करती हैं। वो ड्रम्स की तरफ झुक जाती हैं और उसके रेजोनेंस को फील करती हैं। रेजोनेंस मतलब साउंड जो वापस आती है उसकी वाइब्रेशंस को फील कर पाती हैं। वो कभी भी वुडन प्लेटफॉर्म पर शूज पहनकर नहीं जाती क्योंकि वो अपने लेग से म्यूजिक को फील करती हैं। उनकी ऑडियंस भी बहुत पसंद करती है उनको। 1991 में उनको प्रेजेंट किया गया था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, मतलब जो अकेले इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनका सबसे बड़ा अवार्ड उनको दिया गया था। एक काफी अच्छे परक्यूशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड्स, वो ये बोलते हैं भगवान ने उनके सुनने की शक्ति तो ले ली मगर भगवान ने उनको कुछ बिल्कुल अलग सा, कुछ खास उन्हें दिया कि वो चीजों को, वो साउंड को फील कर पाती हैं और बहुत अच्छे से समझ पाती हैं जो हम सुनकर भी नहीं समझ पाते। फिर एवलिन जो हैं वो कन्फेस करती हैं कि वो एक वर्कहोलिक है, मतलब उनको काम करना बहुत ज्यादा पसंद है, वो काम के बिना नहीं रह पाती हैं। वो कहती हैं कि मुझे काम करना ही होता है,
ज्यादा से ज्यादा अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। और वो कहती हैं कि जो रिवॉर्ड्स उन्हें मिले हैं, जो सम्मान उन्हें मिला है, वो भी बहुत बड़ा है। रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा जो एवलिन है वो फ्री कॉन्सर्ट्स देती हैं प्रिजन्स और हॉस्पिटल, मतलब जेलों और अस्पतालों में जाकर। और वो काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी, मतलब अहमियत देती हैं यंग म्यूजिशियंस को, जो नौजवान बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं उनको। एवलिन अपनी एज से बहुत ज़्यादा पा चुकी हैं, हासिल कर चुकी हैं अपनी एज में। उन्होंने इंस्पिरेशन दी है, प्रेरणा दी है लोगों को, मतलब हैंडीकैप्ड लोगों को, जो लोग विकलांग हैं उनको। और लोग उनको देखकर कहते हैं कि इफ शी कैन डू इट आई कैन, कि अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने म्यूजिक से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी और बहुत सारे लोगों को प्लेजर दिया, मतलब आनंद खुशी दी। डिफिकल्ट वर्ड्स स्टिंगल्स कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, मतलब गुदगुदी। वर्कहोलिक अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, एक ऐसा इंसान जो काम ना करे तो परेशान हो जाता है, जिसे काम करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। एनॉर्मस एक्सेप्शन, मतलब असाधारण। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि एवलिन म्यूजिक को सुने बिना भी उसको सेंस कर लेती हैं, महसूस कर लेती हैं। इसके लिए वो वुडन प्लेटफॉर्म पर शूज पहनकर नहीं जाती, ताकि वो म्यूजिक को महसूस कर पाए अपने लेग से। उनको 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टीजियस अवार्ड भी मिला, और साथ ही वो बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन, मतलब प्रेरणा भी बन गई। दोस्तों, आप भी अपने घर जाकर अपनी इंग्लिश की बुक बिहाइव के इस चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक को जरूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम देखेंगे कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स को कैसे लिखना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम हमारी 9th की इंग्लिश की बुक बिहाइव के चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। एवलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जाती थी। एवलिन वॉज 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी गॉट एडमिशन इन द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन। एवलिन 17 साल की थी जब उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन लिया था, जो कि लंदन में है। शी वॉज नर्वस एज शी बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम स्कॉटलैंड एज शी लिव्ड ऑन फार्म्स इन द कंट्री साइड एंड वॉज नॉट एक्सपोज टू द लाइफ इन सिटीज। एवलिन नर्वस थी जब वो स्कॉटलैंड से ट्रेन पकड़ने के लिए गई, क्योंकि वो फार्म से आई थी, खेतों से आई थी इन द कंट्री साइड, एंड वॉज नॉट एक्सपोज टू द लाइफ इन सिटीज, और उसको नहीं पता था कि शहर में कैसी जिंदगी होती है। शी वॉज एक्साइटेड एज शी वॉज अबाउट टू बिगिन हर कैरियर इन म्यूजिक विच वॉज हर एम इन लाइफ। वो बहुत एक्साइटेड थी, उत्साहित थी
क्योंकि वो अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रही थी, अपने करियर की एक नई शुरुआत करने जा रही थी म्यूजिक में। जो कि उसकी जिंदगी का मकसद था, एम था। सेकेंड क्वेश्चन है, वेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, वेन वॉज इट कन्फर्म्ड। उसका बहरापन पहली बार कब नोटिस किया गया और कब ये बात कंफर्म हो गई कि वो सुन नहीं सकती। व्हेन एवलिन वाज 8 इयर्स ओल्ड, हर मदर नोटिस दैट एवलिन डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर नेम बीइंग कॉल्ड आउट एट द पियानो क्लास। जब एवलिन 8 साल की थी तो उसकी मदर ने, उसकी माँ ने नोटिस किया कि एवलिन का जब नाम बुलाया गया पियानो क्लास में तो उसने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया वहां पे। एवलिन्स लॉस ऑफ हियरिंग वाज ग्रेजुअल एंड फॉर सम टाइम शी वाज एबल टू हाइड हर डिसेबिलिटीज फ्रॉम हर टीचर्स एंड फ्रेंड्स। एवलिन की लॉस ऑफ हियरिंग ग्रेजुअल थी, मतलब समय के साथ वो धीरे धीरे उसको सुनना बंद हुआ, और फॉर सम टाइम शी वॉज एबल टू हाइड, कुछ समय तक वो अपने दोस्तों से और अपने फ्रेंड से अपनी ये डिसेबिलिटी छुपा सकी। बाय द टाइम शी टर्न 11, हर मार्क्स डिटेरियोरेटेड एंड हर पेरेंट्स टुक हर टू अ डॉक्टर। और जब वो 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स गिरने लगे तो उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास ले गए। देन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एवलिन वॉज प्रोफाउंडली डेफ। तब उनको ये मालूम पड़ा कि एवलिन जो है उसको सुनना बंद हो गया है। थर्ड क्वेश्चन है, हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, वट डिड ही डू एंड से। किसने एवलिन की मदद की थी म्यूजिक में कंटिन्यू करने के लिए, उसने क्या किया था और क्या कहा था। एवलिन वॉज डिस्करेज्ड बाई हर टीचर्स, बट मास्टर परक्यूशनिस्ट रॉन फ्रॉक्स स्पॉटेड हर टैलेंट एंड पोटेंशियल। एवलिन के सारे टीचर उसको डिस्करेज करते थे, हतोत्साहित करते थे, लेकिन परक्यूशनिस्ट रॉन फ्रॉक्स ने उसके टैलेंट को पहचाना, उसकी क्षमताओं को पहचाना। ही गाइडेड एवलिन टू फील म्यूजिक सम अदर वे रादर देन हियरिंग इट। उन्होंने एवलिन को गाइड किया, उसको समझाया कि उसे म्यूजिक को महसूस करना चाहिए किसी और तरीके से बजाय उसे सुनने के। दिस वर्क्ड वेल फॉर एवलिन एंड ग्रेजुअली शी फाउंड दैट शी कुड सेंस डिफरेंट साउंड्स एंड वाइब्रेशंस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। ये तरीका जो था, जो परक्यूशनिस्ट रॉन फ्रॉप्स ने एवलिन को बताया, ये धीरे धीरे एवलिन को समझ आने लगा और वो डिफरेंट साउंड्स को सेंस करने लगी, महसूस करने लगी उनकी वाइब्रेशंस को अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स के थ्रू। फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म। उन जगहों के और उन वजहों के नाम बताओ जहां पे एवलिन परफॉर्म करती थी। एवलिन मेड हर फर्स्ट टूर एट एज ऑफ 16 व्हेन शी परफॉर्म विद अ यंग ऑर्केस्ट्रा। एवलिन का फर्स्ट टूर जो था, उसकी जो पहली विदेश यात्रा थी, वो उसने 16 साल में करी जब उसने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म किया। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम्स एंड आफ्टर दैट टूर शी डिसाइडेड दैट शी वुड मेक अ करियर इन म्यूजिक।
तो उसका जो पहला टूर था वो यूनाइटेड किंगडम्स में था, और उस टूर के बाद उसने ये डिसाइड किया कि वो अपना करियर म्यूजिक में ही आगे बनाना चाहेगी। एवलिन इज अ पॉपुलर म्यूजिशियन विद अ बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल। एवलिन जो है एक बहुत ही फेमस, एक पॉपुलर म्यूजिशियन है जिसका बहुत बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस किया और देखा कि कैसे हम उन क्वेश्चन के आंसर्स को लिख सकते हैं। आप भी अपने घर जाकर अपनी इंग्लिश की बुक बिहाइव के इस चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक को जरूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। आप भी अपने घर जाकर अपनी इंग्लिश की बुक बिहाइव के इस चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम एक नई पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है विंड। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग हमारी हॉर्नबिल की बुक का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूज। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने इसके पार्ट 1 को पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि किस तरह से टट इजिप्ट की एक बहुत पावरफुल फैमिली का लास्ट एयर था। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरह से आज टट की ये जो टॉम है, ये मोस्ट फेमस टॉम है पूरे वर्ल्ड में, और टट की डेथ हो चुकी थी 3,300 इयर्स पहले। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि किस तरह से कार्टर ने, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने, 1920s में टट की इस टॉम को डिस्कवर किया था। आज इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रिचिएस्ट रॉयल कलेक्शन के बारे में, कि किस तरह से टट की टॉम में जो चीजें मिली थी उसकी वजह से टट की टॉम आज पूरी दुनिया में सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन के नाम से भी जानी जाती है। और उसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कार्टर्स प्रॉब्लम, यानी कि जब कार्टर ने टट की मम्मी को ढूंढ लिया था, डिस्कवर कर लिया था, उसके बाद उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा आज सबसे पहला टॉपिक है रिचिएस्ट रॉयल कलेक्शन। मेनी थिंग्स इन गोल्ड वर प्लेस्ड नियर हिज डेड बॉडी, यानी कि जो टट की जो डेड बॉडी थी उसके साथ बहुत सारी चीजें रखी गई थी, और वो चीजें गोल्ड की बनी हुई थी, जैसे कि दोस्तों आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। टट वॉज ऑल्सो बरेड विद एवरी डे थिंग्स, यानी कि एक तरफ अगर टट की उस टॉम में गोल्ड की चीजें रखी थी तो वही उसकी डेड बॉडी को बरी किया गया था एवरी डे, यानी कि रोजमर्रा की चीजों के साथ। दीज वर, यानी कि कौन कौन सी चीजें रखी थी उसकी डेड बॉडी के साथ, सबसे पहले तो लीनन गार्मेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन एक्सेट्रा, यानी कि कपड़े, खाने पीने का सामान और बहुत सी अन्य चीजें टट की उस टॉम में रखी गई थी। इसके आगे मच ऑफ द ट्रेजर बरीड इन द टॉम हैड ऑलरेडी बीन लूटेड, यानी कि आधे से ज्यादा ट्रेजर, आधे से ज्यादा खजाना जो टट की टॉम में था वो ऑलरेडी चोरों ने लूट लिया था। इवन देन इट वॉज द रिचिएस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड इन एनी टॉम, लूटने के बावजूद भी
आज भी वो टॉम रिचीज रॉयल कलेक्शन के नाम से जानी जाती है। आज तक इतना ज्यादा खजाना और किसी टॉम में देखने को नहीं मिला जितना हमें टट की टॉम से मिला है। हमारा अगला पॉइंट, द रॉक कट टॉम वॉज सम 26 फीट अंडरग्राउंड। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये रियल पिक्चर है टट की टॉम की, कि ये जो टॉम है ये 26 फीट अंडरग्राउंड में बनी हुई है। एंड फाइनली हमारा लास्ट पॉइंट, द वॉल्स हैड पेंटिंग्स, यानी कि जो टट की टॉम का जो रूप था उसकी वॉल्स पे पेंटिंग्स बनी हुई थी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बीच में टट की मम्मी रखी गई है, उनकी डेड बॉडी रखी गई है, और वॉल्स पे किस तरह से पिक्चर्स को बनाया गया है। तो दोस्तों, अब हमारे फर्स्ट टॉपिक रिचीज रॉयल कलेक्शन यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, जो था कार्टर्स प्रॉब्लम्स, यानी कि कार्टर ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जब उसने टट की उस मम्मी को ढूंढ निकाला। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग द थ्री लेयर्ड कॉफिन ऑफ टट इन द टॉम, यानी कि जो सबसे पहले प्रॉब्लम जो कार्टर के सामने आई थी वो ये थी कि जो टट का टॉम था उसमें लेयर्स थी काफी ज्यादा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर मार्किंग हो रखी है, तो जो मार्किंग 7, 8, 9 है वो तीन लेयर थी जिसको कार्टर ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। इसके आगे, इन द फर्स्ट वन ही फाउंड द गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव लीव्स लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, यानी कि जो सबसे पहली लेयर थी उसमें कार्टर को ये सारी चीजें देखने को मिली। और दोस्तों, इन सारी चीजों से पता लगता है कि द ब्रूरियल इट सीम्ड वॉज डन इन मार्च एंड अप्रैल, यानी कि टट की जो मम्मी है उसको दफनाया गया था या तो मार्च या फिर अप्रैल के मंथ में। इसके आगे, When Carter finally reached Tut's mummy, he faced trouble. यानी कि जब उसने फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर हटाकर वो फाइनली अपने थर्ड लेयर पर फाइनल लेयर पर टट की मम्मी के पास पहुंचा, तब उसकी रियल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई। क्या थी वो रियल प्रॉब्लम्स? टट वॉज सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, यानी कि जो टट की मम्मी थी उसे उसके गोल्ड कॉफिन से नीचे से सीमेंटेड किया गया था। यानी कि दोस्तों, सीमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि दो चीजों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका मतलब जो टट की मम्मी थी वो अपने सॉलिड गोल्ड कॉफिन से अटैच थी। और दोस्तों, कार्टर ने इसका सोल्यूशन निकालने के लिए Even the burning sun failed to melt it, यानी कि कार्टर ने उस चीज को पिघलाने के लिए मम्मी को अपने कॉफिन से फ्री करने के लिए उसे बर्निंग सन में रख दिया बाहर, लेकिन वो बर्निंग सन भी उसे पिघला ना पाया। एंड दोस्तों, एट द एंड द मम्मी वॉज टू बी रिमूव्ड बाय अ चिजल। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसे बोलते हैं एक चिजल, और इसकी मदद से कार्टर ने मम्मी को उसके गोल्ड कॉफिन से अलग किया। दोस्तों, कार्टर ने अपने डिफेंस में कि उसने इतना एक्सट्रीम मेजर क्यों लिया उस मम्मी को अलग करने के लिए बोला है, इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी लिम्ब बाय लिम्ब द थीव्स वुड हैव टेकन ऑल द गोल्ड अवे, यानी कि कार्टर के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था उस मम्मी को अलग करने के अलावा, क्योंकि अगर वो उस मम्मी को लिम्ब बाय लिम्ब अलग ना करता तो थीव्स गोल्ड की वजह से, सोने की वजह से उस मम्मी को डिस्ट्रॉय कर देते। तो दोस्तों, कार्टर और उसके बाकी आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरह से मम्मी को उस कॉफिन से अलग किया? कार्टर्स मेन फर्स्ट रिमूव्ड मम्मीज हेड देन कट ऑफ एवरी मेजर जॉइंट, यानी कि सबसे पहले उन्होंने मम्मी के हेड को रिमूव किया, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और उसके बाद उसके हर एक जॉइंट को इंडिविजुअली अलग करके बाहर निकाला। इसके बाद, वंस दे हैड फिनिश्ड, दे रिजेम्बल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, यानी कि एक बार जब उन्होंने उस मम्मी को तोड़कर उस बॉक्स में से, उसके कॉफिन में से बाहर निकाल लिया था, तो उसे सैंड की लेयर पर रीअसेंबल कर दिया था, यानी कि दोबारा से जोड़ दिया था। तो दोस्तों,
अब हम अपने चैप्टर को यहीं पर रोकते हैं और बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले बात करी रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन के बारे में कि किस तरह से टेड की ये जो टॉम है उसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें से एक तरफ अगर सोने से बनी चीजें जैसे कि नेकलेस, रिंग, ब्रेसलेट और बहुत सारी अन्य चीजें मिली, वही दूसरी तरफ टट की टॉम में डेली चीजें, रोजमर्रा की चीजें भी रखी हुई थी और इसी वजह से टट की टॉम आज रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन के रूप में भी देखी जाती है। एक ऐसी टॉम जिसको खोलने पर बहुत सारा खजाना देखने को मिला। इसके बाद हमने जो अगला टॉपिक पढ़ा उसका नाम था कार्टर्स प्रॉब्लम कि किस तरह से एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने 1920s में टट की इस टॉम को ढूंढ निकाला था। उसने ढूंढ तो लिया था पर उसके बाद उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। उन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये थी कि टट की जो टॉम थी वो अपने कॉफिन से सीमेंटेड थी, यानी कि जुड़ी हुई थी। उसको अलग करने के लिए उसने उसे बाहर धूप में भी रखा पर फिर भी कोई सलूशन नहीं निकला और फाइनली उसे मम्मी को तोड़कर बाहर निकालना पड़ा। तो दोस्तों ये चैप्टर था हमारी बुक हॉर्नबिल से। तो मुझे उम्मीद है कि घर जाकर आप इस चैप्टर को एक बार दोबारा से जरूर पढ़ेंगे। इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे टट्स फैमिली हिस्ट्री के बारे में कि टट की फैमिली हिस्ट्री क्या थी, कौन कौन उसकी फैमिली में थे और इससे पहले टट से पहले कौन राजा था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडर्न आर्कियोलॉजी की कि किस तरह से टाइम के साथ साथ अब आर्कियोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं और बात करेंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चलते हुए मॉडर्न आर्कियोलॉजी ने क्या रूप ले लिया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सीटी स्कैनर कि जब टट की ये मम्मी को डिस्कवर किया गया तो जब उस पर सीटी स्कैन किया गया तो हमारे सामने क्या इमेजेस हमें देखने को मिली, हमें क्या नए ट्रुथ जानने को मिले और फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक होगा अस्टॉनिशिंग इमेजेस। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग ये चार टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि डिजिसाथ के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने नवी कक्षा में पढ़ा इंग्लिश का चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक, साथ ही 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा इंग्लिश का चैप्टर डिस्कवरिंग टुट द सागा कॉन्टिन्यूस। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड की, जो अभी आपने देखी इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप ये एपिसोड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर DigiSath इकोवेशन सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।